हाँ जी, चैप्टर वन में हमारा यूनिट वन था नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था जी, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले हमारे पास था प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम आउटपुट मेथड भी बोल सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या निकल कर आता है, जीडीपी। नाउ जीडीपी कैसे निकल कर आएगा, यू विल टेक वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर्स, माइनस करोगे वहां से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर्स कैसे आएगा आपके पास, ये बताओ। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये बात हम जानते नहीं है। अच्छा, सेल्स आर गोइंग टू इंक्लूड दी एक्सपोर्ट्स, वेयर एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गोइंग टू इंक्लूड दी इंपोर्ट्स एज वेल, ये बात हम जानते हैं। ऑल राइट, फिर एक बारी दूसरा मेथड डिस्कस करो हमारे पास है, उसमें एनडीबीएफसी आता है। एनडीबीएफसी में क्या क्या आएगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमारे पास वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड भी आ जाएगा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, वो सब आ जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एज वेल एज रॉयल्टी और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये कभी होती है कभी नहीं भी होती है। फिर हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले आता है जीडीपी। जीडीपी में ऐड करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउसहोल्ड, बिजनेस एज वेल एज गवर्नमेंट, और अलग से आएगा एक और चीज, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और नेट एक्सपोर्ट्स हमारा चौथा कंपोनेंट है। ठीक है जी, फिर हमने अब ये तो पढ़ लिया कि किस मेथड में कौन सा एग्रीगेट सबसे पहले आता है। अब जीडीपी एट एमपी से एनएलबीएफसी जो कि नेशनल इनकम है उस तक पहुंचना है, तुमको पता ही है कि जी नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अच्छा, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआई है, ये पॉजिटिव में भी हो सकती है नेगेटिव में भी हो सकती है, एंड मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है जी, अब हम इन जनरल बात करते हैं कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूडेड है क्या एक्सक्लूडेड रह सकता है। जी, इंक्लूजन्स में हम बोलते हैं कि अगर प्रोड्यूसर की ओन कंजम्पशन है, फार्मर ने कुछ वीट अगर खुद ही कंज्यूम कर ली बाकी के मार्केट में बेच दिए, तो वो ओन कंजम्पशन के नोशनल वैल्यू विल बी इंक्लूडेड। अगर किसी कोई ओन अकोमोडेशन में रहता है तो उसका इंक्लूडेड रेंट विल बी इंक्लूडेड, या अगर किसी ने खुद से कोई फिक्स एसेट कंस्ट्रक्ट किया है, घर वगैरह कंस्ट्रक्ट किया है, तो अंदर फिक्स इन्वेस्टमेंट वो भी इंक्लूडेड रहेगा इंक्लूडेड वैल्यू के साथ। क्या एक्सक्लूडेड रहेगा, सीधी सी बात है, सबसे पहले आइटम ट्रांसफर पेमेंट, फिर एक तो इलीगल बात है ऑब्वियसली दे, और कोई भी अनरिपोर्टेड अंडर दी टेबल ट्रांजैक्शन है वो नहीं आएगी, एंड सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ये भी नहीं आती है। ठीक है, और एज सच एक्सक्लूजन्स में अगर हम अपनी तरफ से सोचे, बिकॉज सेकेंड हैंड ट्रांजेक्शन, एग्जैक्टली बिकॉज जीडीपी इज अ फ्लो मेजर, इसलिए जो पहले से प्रोडक्ट बन चुका है, 4 साल पहले गाड़ी बन चुकी है तो उस टाइम पर उसकी वैल्यू आ चुकी है, तो अगर अभी उसी गाड़ी की सेकेंड हैंड सेल है वो एक्सक्लूडेड रहेगी। बट अगर उस सेकेंड हैंड सेल पर अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन पे की गई है, बट वो क्योंकि करंट सर्विस है, हेंस करंट सर्विस तो आएगी। राइट, अब क्या हमको याद रखना है, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की डेफिनेशन आपके पास बुक में पहले पेज पर दो बॉक्सेस में है। हाँ जी बताइए। हाँ हाँ जी, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वे ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपको दूसरे तरीके से बताने तो आप बताएंगे, नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग एनएफआई एंड देन ड्यूरिंग अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम को एग्रीगेट फॉर्म क्या प्यार से क्या बोलते हैं, इट इज एनडीपी एंड एफसी। सो जहां नेशनल इनकम में हमने बोला था दैट इट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू नॉर्मल रेजिडेंट्स, डोमेस्टिक इनकम में बोले कि इट इज द सम ऑफ फैक्टर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वेदर टू रेजिडेंट्स और टू नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है जी, अच्छा हमको फिर अगर कोई कुछ भी एग्रीगेट के बारे में पूछ लिया जाए, चाहे जीडीपी एट एमपी है या लेट अस से एनडीपी एट एमपी है। हाँ जी, हमने ऐसे बोला,
इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर चाहे रेजिडेंट है या नॉर्मल रेजिडेंट है, बट होना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी में, ये बात। बट इधर क्या था, नॉर्मल रेजिडेंट कमाए चाहे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कमाए या बाहर से कमाए, इधर रेजिडेंट पे कौन, इधर रेजिडेंट पे फोकस है, नॉर्मल रेजिडेंट पे, और इधर डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस। ठीक है जी। अब अगर कोई भी आपसे एग्रीगेट पूछ लिया जाए, तो एग्रीगेट में आपको 6 की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। 6 की पॉइंट्स में लेट अस से जीडीपी एटीपी की बात करते हैं, तो इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री क्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक हो गया जी। ऐसे ही कोई भी एग्रीगेट को आपसे पूछ लिया जाए, ये 6 की पॉइंट्स हमको चाहिए ही चाहिए। देखो तीन तो नाम से ही आते हैं, जैसे कि ग्रॉस नाम से आ गया, डोमेस्टिक नाम से आ गया, एमपी नाम से आ गया। कॉमन क्या क्या है, फाइनल इकोनॉमिक और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, मतलब जो फ्लो मेजर है, ये तीन कॉमन होते हैं। ओके। अब कुछ कुछ बातें ऐसी सेम ही। अब नेक्स्ट अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जी फाइनल गुड्स के बारे में दो हमारे पास सेंटेंसेस में डेफिनेशन थी, क्या क्या? नहीं फाइनल फाइनल गुड्स मतलब विच आर दोस गुड्स विच आर मेंट फॉर द फाइनल कंजम्पशन और दे आर कैपिटल गुड्स। दूसरा सेंटेंस मतलब दीज डू नॉट हैव टू बी फर्दर सोल्ड और फर्दर ट्रांसफॉर्म इन दी सेम वे। ये हो गए हैं फाइनल गुड। ऐसे ही इंटरमीडिएट गुड के क्या है, दीज आर नॉट मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड दीज आर नॉट कैपिटल गुड्स इधर, हेंस दे आर टू बी फर्दर रीसोल्ड और फर्दर ट्रांसफॉर्म इन दी सेम ईयर। मुझे वर्ड चाहिए इन दी सेम ईयर। ऑब्वियसली जहां पे आप डेफिनेशन बता रहे हो वहां पर आप एग्जाम्पल भी दोगे, फ्लावर ब्रेड का दे दो, कार टायर का दे दो, जो भी। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स जी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव अ मार्केट वैल्यू एंड दिस कैन बी एक्सचेंज इन अ मार्केट प्लेटफॉर्म, वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी एक्सचेंज ऑन अ मार्केट प्लेटफॉर्म एंड दे डू नॉट कमांड अ मार्केट वैल्यू। एग्जाम्पल इकोनॉमिक में कुछ भी, द सेल ऑफ अ टॉय कार और एनीथिंग, वेयर एज नॉन इकोनॉमिक में हॉबीज हो गया या चाइल्ड रियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फैमिली मेंबर्स। फिर प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस। प्रोडक्ट टैक्सेस मतलब जो कि विच आर बेस्ड ऑन क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, वेयर एज प्रोडक्शन टैक्सेस मतलब टैक्सेस चार्ज ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटी बट दे आर अनरिलेटेड टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। और ऐसे ही सब्सिडीज में भी आ जाएगा, प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्ट सब्सिडीज और प्रोडक्शन सब्सिडीज के आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। प्रोडक्ट टैक्सेस का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि हाँ जी एक्साइज ड्यूटी की जगह आप जीएसटी बोल सकते हो, कस्टम ड्यूटीज वगैरह भी बोल सकते हो, बट और हमारे पास प्रोडक्शन टैक्सेस में क्या हो गया, लाइसेंस फीस, लोकल टैक्सेस वगैरह। ऐसे ही प्रोडक्ट सब्सिडी, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी आ जाएगा, और प्रोडक्शन सब्सिडी में हमारे पास रेलवे, स्मॉल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, वो हो गई प्रोडक्शन सब्सिडी। बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद नॉमिनल एंड जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन, द जीडीपी विच हैज बीन कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। इनमें तीन 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 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको मार्क कराए। नॉमिनल जीडीपी चेंजेस ड्यू टू टू रीजंस, आउटपुट चेंजेस इन आउटपुट एज वेल एज चेंजेस इन प्राइसेस, एंड नॉम चेंजेस इन नॉमिनल जीडीपी डू नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, वेयर एज रियल जीडीपी मींस जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस बाय टेकिंग बेस ईयर and it changes due to only one reason, that is changes in output, and changes in real GDP accurately reflect the true performance of the economy. अब concept आया हमारे पास GDP deflator का, that is nominal GDP by real GDP into 100, and but GDP deflator अगर more than 100 है, ये क्या बताता है, that prices have increased in comparison with the base year, whereas if GDP deflator is less than 100, ये क्या बताता है, prices have decreased in comparison with the base year. बट क्योंकि ये करंट प्राइसेस का कंपैरिजन बताता है विद बेस ईयर ना जाने 20 साल पहले होगा, इसलिए ईयर ऑन ईयर में इन्फ्लेशन निकालने के लिए कि करंट ईयर में कितनी इन्फ्लेशन है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, उसके लिए मैंने पास अगला कॉन्सेप्ट आया इन्फ्लेशन इन ईयर टू। इट इज जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर टू माइनस जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर, ये है जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर टू माइनस जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर वन अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर वन इन टू 100।
ठीक है जी, ओके। फिर हमने और अदर कॉन्सेप्ट्स में ऐसे तो हमने पर कैपिटा भी सीखा हुआ, बट सबसे पहले हमने सीखा था मेनली जो है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम मीन्स नेशनल इनकम जो है हमारा, एक तो अर्न्ड कॉन्सेप्ट है राइट, और पर्सनल इनकम इज अ रिसीव्ड कॉन्सेप्ट, एंड रिसीव्ड बाय हु, रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड। एंड नेशनल इनकम है ये है एक अर्न्ड कॉन्सेप्ट एंड अर्न्ड बाय हाउसहोल्ड एज वेल एज फर्म्स एज वेल एज गवर्नमेंट, क्योंकि जहां पे भी नेशनल कॉन्सेप्ट आता है हम ये तीन सेक्टर्स की बात करते हैं राइट। तो अब हमने बोला कि नेशनल इनकम में ऐसी कुछ चीजें इंक्लूडेड रहती हैं विच आर नॉट रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड्स। सो अर्न इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड शुड बी डिडक्टेड, बट ऐसे कुछ चीजें भी हैं विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बट दे आर स्टिल रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड। एग्जाम्पल एनी ट्रांसफर पेमेंट, तो उसको ऐड कर देना चाहिए एज इनकम रिसीव बट नॉट अ। फिर पर्सनल इनकम इसे माइनस कर दीजिए, पर्सनल इनकम टैक्सेस एंड अदर कंपल्सरी नॉन टैक्स पेमेंट तो आ जाएगा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अच्छा जी, फिर एक प्राइवेट इनकम कॉन्सेप्ट है, जहां पर नाम प्राइवेट आया दैट मींस दैट इज गोइंग टू इंक्लूड अच्छा हाउसहोल्ड एज वेल एज बिजनेस, बट इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा अर्न नहीं रिसीव्ड, इसमें आएगा कॉन्सेप्ट रिसीव्ड का। अच्छा जी, अब इसमें सिंपली जैसे अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है सामने, जो भी होगा हमको अल्टीमेटली देखना है रिसीव्ड बाय प्राइवेट सेक्टर क्या होगा। फॉर्मूला आपके पास ये है, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। ये क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये नेक्स्ट पेज पर है देखना। हमारे पास एक है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी के दो हिस्से हैं, एक जाता है गवर्नमेंट को एक जाता है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर को। तो गवर्नमेंट को जाता है उसको ऐसे बोल दिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स या सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। बेसिकली ये एनडीपीएफसी है बट किसको जा रही है, गवर्नमेंट को। अगर हमने टोटल एनडीपीएफसी में से इसको हटा दिया तो जो बचती है वो बचती है प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो ऊपर हम अगर वापस गए तो हमने डिस्कस किया कि एनडीपीएफसी जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए बचती है उसमें और भी एडजस्टमेंट्स कर दो जिससे कि हम प्राइवेट सेक्टर के रिसीव्ड कॉन्सेप्ट पे पहुंच सके। तो कोई रट्टा लगाने वाला फॉर्मूला नहीं है जी, चीजें सामने देखो समझ में आ जाए ठीक है। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इट इज जीएनपी एंड एनपी प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था दैट करंट ट्रांसफर विद इन द इकोनॉमी वो नहीं कुछ प्लस माइनस करने हैं, क्योंकि ये नेशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें गवर्नमेंट हाउसहोल्ड एज वेल एज बिजनेस आ चुके हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई ट्रांसफर पेमेंट दी है तो गवर्नमेंट के हाथ से चली गई, हाउसहोल्ड को रिसीव हो गई, एक के हाथ से माइनस दूसरे के हाथ में ऐड। तो एज सच विद इन दैट नेशन कॉन्सेप्ट कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, अब्रॉड से आने वाला ट्रांसफर पेमेंट वो हमने ऐड कर देना है ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास बाकी और भी थ्योरी क्वेश्चन बन रहे थे, जैसे कि एक थ्योरी क्वेश्चन था कि इज जीडीपी ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन एन इकोनॉमी। हमने कमियां निकाल दी थी जीडीपी में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हाईलाइट नहीं होती है, और इसमें ऐसी जो वेलफेयर वाली एक्टिविटीज है विच एक्चुअली लीड टू वेलफेयर, जो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक हॉबी परसुइंग वगैरह वो नहीं आएगी। अच्छा, अगर किसी ने अपना लेजर टाइम सैक्रिफाइस करके आउटपुट ज्यादा बनाया तो जीडीपी तो इम्प्रूव दिखाई देगी बट एट द कॉस्ट ऑफ लेजर टाइम, डिसयूटिलिटी ऑफ लेजर टाइम हमारे पास आ गया था। और देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अस बेटर ऑफ और प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग द वर्स ऑफ, ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। सो देयर आर मेनी पॉइंट्स, इलीगल ट्रांजैक्शंस नहीं आती, अनरिपोर्टेड इकोनॉमिक बैड्स नहीं आते हैं। तो फिर ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से जीडीपी इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन। आप एग्जैक्ट सेंटेंस मेरे को अभी दिखाना वो क्या था, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, एक हमने यहाँ पर ये तो ये पॉइंट था जीडीपी एस कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम है। फिर एक और पॉइंट था कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस इन्वॉल्व्ड इन कंप्यूटिंग द जीडीपी, मतलब कंप्यूटेशन कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम आती है। हमने बोला कि डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट कुछ वो क्लियर नहीं होता है हमको, एंड देर इज प्रॉब्लम ऑफ लेट अस से एनी वॉलंटरी वर्क, मतलब कि अगर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई अगर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो जिसकी कोई मैंने फीस नहीं ली है तो फिर भी उसकी एक इम्प्यूटेड वैल्यू आनी चाहिए, कैसे आएगी। फिर हमने ये तो बड़े आसान से बोल दिया दैट सेल्फ कंजम्पशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इज आल्सो इंक्लूडेड, बट इम्प्यूटेड वैल्यू कैसे लेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। फिर रियल जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ कैन वी वैल्यू अ न्यू गुड एट अ कॉन्स्टेंट प्राइस एट अ बेस ईयर प्राइस, जबकि वो बेस ईयर में ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी नहीं करता था। एंड देर आर ऑल्सो अदर प्रॉब्लम्स की
हाँ नॉन नॉन मोनेटाइज सेक्टर भी है हमारे पास, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनरिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग चलती है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इलिटरेसी, हाँ इलिटरेसी है जिसकी वजह से वो प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है, या देर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन कि पता ही नहीं किसका क्या ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा कि कहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगा, बिकॉज स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट सेम ग्रुप ऑफ पीपल आर वर्किंग एज फार्मर्स फॉर 6 months इन अ ईयर एंड रिमेनिंग 6 months के लिए दे मे बी वर्किंग एज अ फैक्ट्री लेबर्स, तो एक ये प्रॉब्लम भी आती है. तो देर आर मेनी चैलेंजेस फेस्ड इन कॉम्पिटिशन एज वेल. फिर इन जनरल दैट विच मेथड इज द मोस्ट सुटेबल, तो हम ये बोलते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए प्रोडक्ट मेथड हो गया हमारे पास, और कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर मेथड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए इनकम मेथड, बट इन जनरल वैसे बोला जाए कि व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर एनी डेवलप्ड इकोनॉमी, हम बोल सकते हैं इनकम मेथड इज द मोस्ट सुटेबल. राइट, एनी अदर पॉइंट जो यू थिंक कि यूनिट वन से हमारा रह गया, यूनिट वन से यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जी रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी बेस्ड ऑन इट फ्यूचर पॉलिसीज या फोरकास्ट किए जा सकते हैं, अगर नेशनल इनकम की कॉम्पिटिशन की हुई है तो हमको ये भी पता चल सकता है सेक्टोरल क्लासिफिकेशन दैट किस सेक्टर को लेकर हमको पॉलिसीज बनानी है, बस ऐसे कुछ जनरल पॉइंट्स कि हमको वो अलग अलग से अगर बाइफरकेशन मिल रही है तो हम उस हिसाब से पॉलिसीज भी बना सकते हैं, फोरकास्ट बन गया जाएगा. आई थिंक ये जनरल बात होती है मैंने. हाँ जी, और आई डोंट थिंक यूनिट वन में और कुछ है. यूनिट टू में बात करते हैं केनेशियन इक्विलिब्रियम, तो केनेशियन थ्योरी ने ये बोला था कि एज इन कंट्रास्ट टू क्लासिकल थ्योरी ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में आएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट या ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लीडिंग टू रिसेशन एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लीडिंग टू इन्फ्लेशन. ठीक है जी, तो फिर यहाँ पर इन्होंने पहले हमने बात की कि इक्विलिब्रियम कैसे आता है. नाउ अगर टू सेक्टर हम मॉडल की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम आता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, टू सेक्टर में सी प्लस आई रहेगा एग्रीगेट डिमांड में, थ्री सेक्टर में ये और ये है हमारे पास, टू सेक्टर में हम जानते ही हैं. ओके, उसके बाद हमने जहाँ इक्विलिब्रियम डिस्कस करना होता है वहां पर हम डिस्कस करते हैं लीकेजेस एंड इंजेक्शन ऑल्सो, डेफिनेशन ऑफ लीकेज एंड डेफिनेशन ऑफ इंजेक्शन पता होनी चाहिए. लीकेज मीन्स द एनी पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड अ लीकेज, एंड इंजेक्शन में हम बोल सकते हैं दैट इट इज इनफ्लो टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. नाउ व्हाट आर लीकेजेस, टू सेक्टर मॉडल में मैं बात करूं व्हाट इज द लीकेज, सेविंग्स एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, थ्री सेक्टर मॉडल में सेविंग्स एंड टैक्सेस और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फोर सेक्टर मॉडल में सेविंग्स एंड टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट लीकेजेस के और भी जनरल एग्जाम्पल हैं, लेट अस से इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तभी भी अगर इंक्रीज इनकम है तो इंक्रीज इनकम से इंक्रीज कंजम्पशन डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है तो वो क्या हो गया, एक लीकेज हो गया. हमने अपनी करंट इनकम को स्पेंड कर दिया सेकेंड हैंड गुड्स पर या इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पर, वो भी क्या हो गया, एक लीकेज हो गया है. तो ऐसे कुछ और भी जनरल एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं, या इन जनरल देयर इज स्कैसिटी ऑफ द गुड्स बीइंग डिमांडेड, तो भी क्या है, जहां पे भी हम बोल रहे हैं कि हम अपनी करंट इनकम को करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च नहीं कर रहे हैं, मतलब लीकेज हो रही है इनकम स्ट्रीम. ठीक है जी, फिर अब हमने अगर टू सेक्टर मॉडल में बात करें या इन जनरल बात करें, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, इट इज ए प्लस बी वाई डी, वेयर ए मींस ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड वाई डी मतलब डिस्पोजेबल एंड बी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये वाला पूरा सेक्शन बन जाता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन. नाउ इन जनरल कॉन्टेक्स्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टू सेक्टर मॉडल और समथिंग, इन जनरल वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम, तो अगर मैं जनरल कॉन्सेप्ट में गई कि ऑल सेक्टर्स की बात, तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, इट इज नेशनल इनकम माइनस टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स. ठीक है जी, अच्छा सेविंग्स फंक्शन की जहां पर हम बात करें, सेविंग्स इज माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई डी, वेयर वन माइनस डी रिप्रेजेंट्स एमपीएस यानी कि स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन. अब एमपीएस हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं, एमपीसी या एमपीएस, एमपीसी बता दो.
per unit change in disposable income. Change in consumption due to per unit change in disposable income. Proper keyword मुझे disposable income चाहिए. Whereas MPS is change in savings due to per unit change in disposable income. ठीक है जी. और APC हमें पता है it is total consumption by total income and APS is total savings by total. फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जी मल्टीप्लायर का. मल्टीप्लायर की डेफिनेशन द फिनोमिना वेर एन इंक्रीज इन इंजेक्शन एक्सपेंडिचर. डू नॉट वर्ड द यूज द वर्ड इन्वेस्टमेंट क्योंकि मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट तो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे भी अप्लाई करते हैं. तो वेर एन डोंट वर्ड यूज द डोंट यूज द वर्ड इन्वेस्टमेंट यूज द वर्ड इंजेक्शन. सो वेर बाय अ चेंज इन इंजेक्शन एक्सपेंडिचर लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन नेशनल इनकम. That concept is called multiplier. अब multiplier में formula क्या है? Delta Y upon delta I या delta G हमारे पास वो जो भी है. Now how multiplier is calculated? अलग अलग sectors का अलग अलग concept है जी. Two sector model में हमारे पास कैसे आ जाएगा? It is 1/1 - B. Three sector model में 1/1 - B net of tax when taxes are dependent upon national income and four sector model में 1/1 - B net of tax plus M where M is marginal propensity to import. Marginal propensity to import मतलब delta M upon delta Y. ठीक है ये national income के ऊपर based है. Okay जी. And फिर अगर हमसे पूछ लिया जाए role of government sector in three sector economy की मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के आने की वजह से क्या होता है. आपको मैंने वो पॉइंट्स मार्क करवाए हुए हैं. इंटरैक्शन विद हाउसहोल्ड सेक्टर क्या होगा? उनसे टैक्सेस चार्ज करने और उनको ट्रांसफर पेमेंट देनी है. इंटरैक्शन विद बिजनेस सेक्टर क्या होगा? उनको टैक्सेस चार्ज करने और उनको सब्सिडीज देनी. फिर इंटरैक्शन विद दिस फैक्टर मार्केट क्या होगा? हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इंटरैक्शन विद प्रोडक्ट मार्केट वहां से भी अपनी कंजम्पशन गुड्स या कैपिटल गुड्स खरीदने हैं. एंड ऑल्सो द इंटरैक्शन विद फाइनेंशियल मार्केट इन टर्म्स ऑफ बॉरोइंग्स गवर्नमेंट बॉरोइंग्स. रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर सिंपली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स एंड कैपिटल नेट कैपिटल इनफ्लो. फिर हमने स्पेशली जहां पर हमने केनेजियन थ्योरी की बात करते हैं हम ये बात करते हैं दैट जो इक्विलिब्रियम है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है और ओवर एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट आता है डेफिशिएंट डिमांड का. नाउ यू शुड नो डिफाइन यू शुड नो हाउ टू डिफाइन डेफिशिएंट डिमांड. डेफिशिएंट डिमांड मींस व्हेन हां जी व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन व्हाट इट शुड हैव बीन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दैट इज कॉल्ड अ डेफिशिएंट डिमांड व्हिच लीड्स टू अ डिफ्लेशनरी गैप. अगर डिफ्लेशनरी गैप के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए डिफ्लेशनरी गैप का. ऐसे ही इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होगा? पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सेस डिमांड. सो एक्सेस डिमांड मींस व्हेन एक्चुअल डिमांड इज मोर देन व्हाट इट शुड हैव बीन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दैट इज कॉल्ड एन एक्सेस डिमांड लीडिंग टू एन इन्फ्लेशनरी गैप. तो इन्फ्लेशनरी गैप जब आप एक्सप्लेन करते हैं फिर आपको ये भी बताना है कि ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो आ रहा है बट अल्टीमेटली दैट ओवर एम्प्लॉयमेंट मींस अगर हम ऐसे बात करते हैं कि दिस इज आवर एग्रीगेट सप्लाई ठीक है और अगर और ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड दैट शुड हैव बीन राइट. ये फुल एम्प्लॉयमेंट पर है बट असली में मेरा एग्रीगेट डिमांड कब है ये तो मेरा इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर सेटल हो रहा है बट दिस जस्ट रिप्रेजेंट द नॉमिनल दिस जस्ट रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटपुट. रियल आउटपुट तो अभी भी इस पॉइंट पर ही रहेगा मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगी. आपको ये वर्ड एक्सप्लेन करना है इन द वर्ड इन्फ्लेशन. So, I think there is no other thing left. Multiplier तीनों का discuss हो गया, सब कुछ discuss हो गया जी. चलो, anything else that you would like to add? Autonomous taxes. तो देखो जब government आती है, government के पास दो तरीके के taxes होते हैं. एक होते हैं autonomous taxes, मतलब flat taxes, not dependent upon. मतलब आपको taxes बता दिया 500 करोड़. ये होता है autonomous taxes. और एक होता है कि टैक्सेस आर 30% ऑफ इनकम. ये होता है टैक्सेस डिपेंडेंट अपॉन इनकम. तो जो इनकम की अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं है वो हो गए ऑटोनॉमस टैक्सेस. ऐसे देखो अब टैक्सेस वर्ड में बहुत सारे टैक्सेस भी आ सकते हैं ना. इट इज नॉट जस्ट डायरेक्ट टैक्सेस. बाकी इनकम टैक्सेस में और भी टैक्सेस ऐसे होते हैं जो लमसम टैक्सेस और लमसम टैक्सेस भी हम इनको बोलते हैं कि जी हाँ जी इतना तो बेसिकली टैक्सेस वर्ड में ना हम कई बार लाइसेंस फीस वगैरह को भी या लोकल टैक्सेस जो होते हैं उनको भी डाल दें.
ठीक है, एनीथिंग एल्स? नहीं जी, ऑल राइट. सो वी आर एंडिंग टुडे सेशन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका ऐप में टेस्ट पेपर अपलोड हो रहा है जी, अगर किसी को अभी अटेम्प्ट करना अभी कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में कर लीजिएगा एट योर ओन कन्वीनियंस. बाय बाय, थैंक यू.